हाय फ्रेंड, आ गए हैं हमारे महिंद्रा XUV 5W। इसमें एक्चुअली पिकअप की प्रॉब्लम है और आज फ्रेंड इसमें क्या कैसे हम चेक कर सकते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या आ चुकी है। और सबसे पहले हम अंदर चल के गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, स्टार्ट करके दिखाएंगे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, इग्निशन हम सबसे पहले ऑन करेंगे, करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। गाड़ी अभी हमारी स्टार्ट है प्रॉपरली, गाड़ी में कोई चेक इंजन लाइट कोई नहीं, क्योंकि हमारा जब एक्सीलेशन देते गाड़ी प्रॉपरली एक्सीलेशन नहीं ले पा रही, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में पिकअप प्रॉब्लम आ चुकी है। और चलते हैं बाहर और दिखाते हैं, सबसे पहले खोलते हैं इसका एयर फिल्टर, चेक करते हैं इसका एयर फिल्टर की कंडीशन क्या है। हम आ चुके हैं सबसे पहले गाड़ी से बाहर और चेक करवाएंगे इसका, थोड़ा एक्सीलेशन देंगे। गाड़ी प्रॉपरली एक्सीलेशन नहीं ले पा रही है, जिसकी वजह हमारी गाड़ी में बहुत पिकअप प्रॉब्लम आ जाती है। और आज इस वीडियो में फिक्स करेंगे कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो इसका एयर फिल्टर है, एयर मास फ्लो सेंसर भी चेक करेंगे और खोलते हैं इसका, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ चुकी है। हमारे एयर मास फ्लो सेंसर में प्रॉब्लम आ चुकी है मेरे ख्याल से, और इसको खोल के ले लेते हैं बाहर, करते हैं गाड़ी को बंद। अभी हम इसका एयर फिल्टर खोल के ले लेंगे बाहर। इसमें 5 नंबर के अलग के 4-6 बोल्ट लगे रहते। अभी यहाँ से हमने सारे बोल्ट इसके खोल के ले लिए बाहर और निकालेंगे ये वाला बोल्ट भी इसका। और यहाँ से सबसे पहले हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हटाएंगे। इसमें हटाने के बाद इसका एयर मास जो कपड़ा रहता है इसको रिलीज करके ले लेंगे और 10 नंबर से इसकी पूरी बॉडी बाहर करेंगे हम। अभी हमारा 10 एमएम का ये क्लिप खोल के ले लेंगे। खोलने के बाद इसका निकालेंगे हम पूरा ये बाहर और दिखाएंगे। यहाँ से एक बोल्ट लगा है अभी, अभी हम निकालेंगे इसको पूरा बाहर। अभी आ चुका हमारा बाहर, आप देख सकते हैं फ्रेंड एयर फिल्टर की कंडीशन क्या है। एयर फिल्टर बहुत, इसमें ऊपर की लेयर ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आ चुकी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड एयर फिल्टर की कंडीशन, यहाँ से देख सकते हो आप पूरा लॉस। इसी की वजह से हमारी गाड़ी में पिकअप प्रॉब्लम थी। और नीचे से पूरा इसको क्लीन करके ले लेते हैं और यहाँ से चेक करवाएंगे आपको। और इसकी जो ऊपर वाली बॉडी है आप देख सकते हैं फ्रेंड इसमें कितना फंसा है, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड एयर मास फ्लो सेंसर में कितना ये एयर फिल्टर का कचरा आ चुका है। पूरा एयर फिल्टर एयर मास फ्लो सेंसर में फंस चुका है। और इसको खोल के ले लेते हैं बाहर और दिखाएंगे अंदर से इसकी कंडीशन क्या है। अभी हम दोनों बोल्ट को खोल के ले लेते हैं बाहर और दिखाएंगे अंदर क्या कंडीशन है इसकी। अभी देख सकते हैं फ्रेंड इसकी कंडीशन पूरा जाम हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में पिकअप प्रॉब्लम आ चुकी है। आप देख सकते हैं कितना आ चुका है, इसमें पूरा एयर फिल्टर इसी में फंस चुका है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी प्रॉपरली नहीं खींच पा रही है। और इसको क्लीन करके ले लेते, इसको भी क्लीन करके ले लेते, इसको भी क्लीन करके ले लेते। क्लीन करने के बाद इसका एयर फिल्टर डालेंगे नया और चेक करवाएंगे इसकी पिकअप कहाँ तक पहुँची, हमारी गाड़ी की पिकअप प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है या नहीं। फ्रेंड हमने होजिंग एयर फिल्टर की निकाली बाहर, अभी हमने निकाली इसका जो टर्बो चार्जर से लगा है होज पाइप। अभी हमने इसकी होज पाइप निकाली बाहर जो टर्बो चार्जर से लगी रहती है। आप फ्रेंड देख सकते हैं इसकी कंडीशन, आप कंडीशन देख सकते हो इसकी, ये देखो फ्रेंड लेयर बाई, क्योंकि ये फॉल्ट कैसे बनता है हमारे जब टाइम पे एयर फिल्टर चेंज ना हो जाता उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारी गाड़ी में। और टर्बो चार्जर अभी क्लीन है, टर्बो चार्जर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमारी प्रॉपरली फिटिंग लग गई, यहाँ से ये होज लगा कर ले लिया हमने, एयर फिल्टर होजिंग भी लगाई। अभी आ चुका है इसका एयर फिल्टर, महिंद्रा का जेन्युइन एयर फिल्टर आ चुका है इसका। और इसको लगा के ले लेंगे इसमें, और लगाने के बाद दिखाएंगे फिर गाड़ी को स्टार्ट करते कि कैसी परफॉर्मेंस आई हमारी गाड़ी में। अभी हमारा काम हो चुका है, यहाँ से प्रॉपरली एयर फिल्टर बॉडी प्रॉपरली लग चुकी है पूरी फिटिंग, एयर मास सेंसर का भी कपड़ा लग चुका है
और हमारी जो बैटरी है वो भी लग चुकी है। अभी को गाड़ी को करते स्टार्ट, अंदर दिखाएंगे पहले स्टार्ट करके। सबसे पहले हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी को करते स्टार्ट। गाड़ी अभी हमारी प्रॉपरली स्टार्ट है और बाहर चल के दिखाते हैं गाड़ी को कैसी परफॉर्मेंस आ चुकी है। अभी हमारी गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट है, गाड़ी पहले रेस नहीं ले पा रही है। अभी देख सकते हैं फ्रेंड हमारा काम कैसा हो चुका है, हमारी कैसे हमने इसको फॉल्ट ट्रेस किया, कैसे हमने इसमें फॉल्ट फिक्स किया। हमारे चैनल पे अगर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। अभी हमारा काम हो चुका है बिल्कुल ओके।